उसका साउंड दिखा देते हैं आपको। What's up everyone, welcome back to my channel Wicked Rider। और आज आप देख सकते हैं मेरे हाथ में न्यू बाइक जो कि है रॉयल एनफील्ड हिमालयन BS6 2020 मॉडल। और कंसोल आपको दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा है इसका जो बाइक है। अगर आप देखोगे तो इसका जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम लुक दिया हुआ है इसको। तो इसका जो मिरर्स है ये देखिए, यहाँ पे इधर साइड में राउंड मिरर्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे आ जाता है एक वाइज़र जो कि आपका थोड़ा सा विंड ब्लास्ट को रोकता है। और काफ़ी अच्छा लुक दिया हुआ है इसका। और राइडिंग जो पोस्चर है वो काफ़ी अच्छा है। अभी इसमें थोड़ा सा स्टैंड करके भी देखेंगे चला के काफ़ी कैसा एक्सपीरियंस है। और जो एक्सेलरेशन है काफ़ी अच्छा है यार, मतलब इट्स जस्ट अमेजिंग। आप अगर फील करोगे तो यहाँ पे देखो, आपको थोड़ा सा स्पीड खींच के दिखाता हूँ। इसका हैंडलिंग जो है काफ़ी स्मूथ है, आपका टर्निंग एंड ऑल जो भी है। इसके बारे में मैं आपको जो फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। स्टैंडिंग में काफ़ी अच्छा है इसका, आप इजीली स्टैंड करके आप बाइक को चला सकते हो। अगर आप देख रहे हैं कोई सा टूरिंग बाइक विद इन 3 लाख, तो दिस इज़ द बेस्ट बाइक, यू कैन गो फॉर इट। आज मौसम काफ़ी अच्छा है और ऐसे में टूरिंग बाइक इज़ द बेस्ट टू गो फॉर अ लॉन्ग राइड। मैं काफ़ी लॉन्ग राइड पे लेके जा पाता तो आपको वो भी दिखाता। तो ये देखिए, आपका जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफ़ी अमेजिंग है यार, मतलब इट्स जस्ट टू गुड। जो टायर्स हैं इसके काफ़ी हाइट वाले हैं, विच इज़ बेस्ट फॉर टूरिंग बाइक। तो ये देखिए, यहाँ पे ऐसे गड्ढा है तो यहाँ पे आप इजीली चला सकते हो। यो आपको एक फ्रंट लुक दे देते हैं बाइक का, जो कि है कुछ इस तरीके का। 360 डिग्री व्यू दे देते हैं बाइक का, जो कि है काफ़ी अमेजिंग। यहाँ पे जो आपको दे रखा है फ्रेमिंग आपके टैंक को गार्ड करने के लिए, और काफ़ी अच्छा है। मैट ब्लैक में इंजन दिया हुआ है और जो टायर हैं वो स्पोक्स टायर्स हैं। और यहाँ पे आपका फ्रंट वाइज़र आ जाता है। इसके स्पेक्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मैं स्पेक्स बता देता हूँ। एमिशन टाइप है इस BS6। इंजन डिस्प्लेसमेंट है 411 cc। माइलेज आपका ये लगभग दे देती है 35 से 40। और मैक्स पावर जो है 24.83 PS एट 6500 RPM। गियर बॉक्स है 5 speed, फ्यूल टाइप है पेट्रोल एंड ABS है ड्यूअल चैनल, जो कि आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। और उसके अलावा जो आपका व्हील टाइप है वो ट्यूब रहता है, और स्पोक्स जो है आपका दोनों व्हील्स में आ जाता है फ्रंट एंड बैक। तो इसका जो व्हील साइज़ रहता है फ्रंट का जो है ये है 533.4 mm, एंड जो आपको रियर वाला दिखा देते हैं, रियर वाला आ जाता है 431.8 mm विद स्पोक्स व्हील ऑन बोथ टायर्स। और जो रियर और फ्रंट दोनों हैं वो है डिस्क ब्रेक, एंड फ्रंट जो ब्रेक है उसका डायमीटर है 300 mm। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं इसका क्लोज़अप व्यू, आपको थोड़ा सा ऑन करके दिखा देते हैं। जो टेल लाइट है वो बल्ब है, टर्न सिग्नल लैंप जो आते हैं वो भी बल्ब आते हैं इसके अंदर। और जो हेडलाइट है वो है हेलोजन विच कम्स विद द DRL, जो ये है हेलोजन बल्ब मिलता है आपका, इसका नीचे रहता है DRL। और चेसी एंड सस्पेंशन की जहाँ बात करेंगे तो इसका जो डायमेंशन एंड कैपेसिटी है वो है 2190 mm, विथ 240 mm एंड हाइट इज़ 1360 mm। जो फ्यूल कैपेसिटी है इसका टैंक का वो है 15 liters एंड सैडल हाइट इज़ 800 mm। और ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक की काफ़ी अच्छी है, जो कि है 220 mm।
तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस रेंज में काफ़ी अच्छी बाइक है, इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी बाइक है। जो सीट्स हैं मैंने अभी फील किया है, काफ़ी कुशनिंग है इसका, काफ़ी प्रॉपर एक जो फील दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग राइड पे जो भी जाने वाले हैं उनको काफ़ी कंफर्टेबल फील होगा अगर आप ये वाला बाइक लेके जाते हैं। इसका साउंड दिखा देते हैं आपको। काफ़ी अच्छा साउंड है और ये जो बाइक है वो सिंगल सिलेंडर में काफ़ी अच्छा और स्टेबल साउंड आ रहा है। इंजन का जो है पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छा है, सिंगल सिलेंडर बाइक है जो कि रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी हटके एक बाइक निकाली है हिमालयन, जो कि लॉन्ग राइड्स के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है। हल्का सा भी एक्सलेट करने पे मस्त खींच रही है। इसका जो प्राइस रेंज है वो आपको 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन योर सिटी। तो मैं एक्चुअली जो हिमाचल ट्रिप मारने वाला हूँ उसमें मैंने प्लान किया था कि या तो KTM 390 या फिर हिमालयन, तो अभी जहाँ तक मेरे को लग रहा है आई शुड गो फॉर हिमालयन ओनली।